everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback. Hey everyone, welcome back to my new vlog. तो आज का जो vlog शुरू होने वाला है भाई कुछ ऐसे adventure. इस time निकल रहे हैं हम main market खुड़ाल से. तो आगे जाके यहाँ से निकलेंगे चनैनी की तरफ. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. हम जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है भाई. आज हम दिखाएंगे अपने फ़ोन से, आज हम GoPro से नहीं, आज फ़ोन व्लॉगिंग करने वाले हैं. चलो लेट्स गो. फिलहाल पहली फुर्सत में निकलते हैं फिर. तो फाइनली गाइज निकल पड़े हम उखड़ाल से. ये चुनो मुनो सारे साथ हैं, तो मतलब सारी अपनी फैमिली है साथ. अभी निकल रहे हैं हम चनैनी की ओर. तो भाई लोग सबसे पहले हमने एक टनल को किया क्रॉस, और यहाँ से आगे आपको टनल ही टनल देखने को मिलेंगे. और एक और टनल आने वाला है, ये अपना पैंठाल नाला है जो उसके साथ में हम पहुंचे इस टाइम. अभी शादी की तैयारियां चल रही है, बड़े भाई की शादी है, तो उसके लिए हम 5-6 दिन पहले ही घर आ चुके हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. तो गाइज हम आज का जो व्लॉग है उसकी शुरुआत कर रहे हैं अपना बाहियाल से. मैं और अबकर भाई है भाई, थोड़ा सामान वगैरह लेने आए थे, तो कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे उनको इनवाइट भी कर दिया, तो इसलिए इस गांव में हम घूम रहे भाई. बचपन गुजारा है तो इनवाइट लोगों को करना ज़रूरी. तो भाई लोग हम बाहियाल से कुछ टाइम पहले निकल आए थे, तो ये डिगडोल नाला है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं. यहाँ पे हमने मंगाई है चाय विद सनसेट. चेकआउट करो भाई, कितना मस्त व्यू के साथ हम चाय पी रहे हैं. और हमने गाड़ी को छोड़ दिया वहीं पे. हम गाड़ी से तो आए थे बट गाड़ी भैया ने लाई. ये क्या चीज़ है भाई, पूड़ी, यहाँ की लोकल पूड़ी भाई, चाय विद पूड़ी. चाय, हाँ चाय सही है भैया ना, मस्त है यार. नाउ अब निकलने वाले हम यहाँ से फटाफट भाई. भैया हमने इजिप्ट से मंगाया है और इसके कपड़े चाइना से मंगवाए हैं भाई. बंदा देख रहे हो ना भाई, अपने आप में एक मिसाल है. तो अब अगर कैसा चाय का टेस्ट, भाई लोग दूर है कुछ सोने पे सुहागा होता है ना, सोने पे सुहागा चाय के साथ इमेजिन, सोने पे सुहागा. यही तो चाहिए भाई, खास कुछ ऐसी जगह पे देसी जो है ना, गैस पे नहीं चूल्हे पे बना के हम पी रहे हैं भाई. ये टेस्ट लीजिए. निकलते हैं फिर हम यहाँ से सीधा रामबन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की और चनैनी में रुकना भाई. बाकी भाई लोग 1 बजे हम फाइनली कर रहे हैं स्पीकर वगैरह सेट. और आज ना मेहंदी है, तो मेहंदी रात बहुत मज़ेदार हुई. हम अंदर गए नहीं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जो भी होने वाला ना शादी में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे. और मेरे को लगता है बहुत मज़ेदार शादी होने वाली है. बाकी हमारा लंच वगैरह खाना वगैरह जो खाया था वो यहाँ पे सारे भाई लोगों ने खाया. गुड मॉर्निंग. तो भाई लोग सुबह सुबह उठ रहे हैं हम अपने घर के लेंटर के ऊपर. और कुछ इस टाइप का मौसम है ना यहाँ, खूबसूरत कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं भाई. और नाइट व्यू तो आपको दिखाया था, आज पूरे दिन के नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं. बाकी अपना फारूक भाई भाई ये बंदा किधर भी है भाई. बाकी अभी हम दिखाने वाले हैं आपको यहाँ का सारा, मतलब जो भी है ना सिस्टम, जो भी हमने किया हुआ है वो दिखाने वाले हैं. उसके बाद हम आप लोगों को अपनी जो शिफ्ट हो चुकी है तैयार यहाँ पे, और कुछ ही टाइम में यहाँ से हम निकलने वाले हैं फटाफट. ये हमारे दूल्हे साहब.
यहाँ पे अपना स्कूल 10th तक हमारी स्कूलिंग इस जगह पे हुई है। और चेकआउट करो, यहाँ से आगे निकलेंगे कुछ इस तरह की गाड़ियाँ चलती है। चेकआउट करो भाई, कितनी सुहानी लगी रही इस रूट पे। 4-way रूट है बट गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है। अभी गाइस अभी निकल पड़े हम हाईवे के ऊपर। भाई लोग हम नाइट को बैठे थे तो भाई लोग फाइनली हम बैठे अपने रूम पे इस टाइम। अरे भाई लोग पूरे दिन फुल एंजॉय, मतलब 2-3 दिन से ना काम कर करके थक गए थे, अभी आके बैठे हैं यार, कुछ फोटो शूट हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, बाहर का व्यू कल पक्का दिखाने वाले हैं। तो मेरी हालात ना बहुत कमज़ोर और वीक हो चुकी है क्योंकि काम कर करके बहुत थक गया। तो भाई लोग लेट्स गो, नेक्स्ट मॉर्निंग वी विल बैक ऑन। चेक आउट करो भाई मेरे सारे ब्लॉग जो भी मिल रहे, सब्सक्राइब करो चैनल को, इनको चेक करो भाई। फोटोग्राफी चल रही है सारे फ्रेंडों की, वैसे भी DSLR पकड़ के रात को लगे अपने हिसाब से, अपने अपने मज़े इंजॉय को। उनके लिए करना तू। हेलो एवरीवन, तो भाई लोग आज 3rd मॉर्निंग है या 4th मॉर्निंग। तो अभी हम लैंडर पे बैठे हुए हैं, भाई लोग सारे बैठे हुए हैं। शादी का जितना रश था ना भाई पूरा ख़त्म हो चुका है। बाकी ये लोंडे शोंडे जितने हैं ना ये अपने यार दोस्त है, अभी बैठे हैं मज़े से अपने लैंडर के ऊपर और यहाँ से हम मज़ा लेते हुए और यहाँ से हम मज़े जो ले रहे हैं ना वो फ्रंट के ले रहे हैं। फ्रंट और फ्रंट में क्या है खास, एक है जम्मू कश्मीर का 2nd टॉप गंडोला एंड जम्मू प्रॉन्स की टूरिस्ट एरिया भी कह सकते हो, सबसे अच्छा एरिया यही है। तो साहब ने वो एरिया कौन सा है, पत्नीटॉप सनासर, बहुत लोगों ने यहाँ पे विजिट किया होगा। और जस्ट अभी हम अपनी बस्ट मार्केट से नीचे अपना गाँव हाँ हो सकता है बाई चांस, बट मेरे को लगता है मेरे को काम होगा क्योंकि अभी फिर रिटर्न आ रहे हैं भैया वाले, तो लंबा हो सकता है। हाँ उसके बाद मेरा कोई चांस नहीं बनता है। हाँ शाम के टाइम हम ज़रूर कहीं एडवेंचर करने जाएंगे टाइम मिला तो। हमारी मसला कुछ यहाँ पे यूँ है कि हम जब भी बैठते हैं तो पूरा दिन ही चले जा रहा है, मतलब दिन की कदर ही नहीं है। ये दिन जो है ना इसका कब गुजर जाता है कोई पता नहीं चल रहा है। वैसे आज मेरे 7-8 दिन हो गए घर पे, तो इन 7 दिनों में मैंने कुछ आइडिया नहीं है कब क्या कहाँ टाइम अपना स्पेंड किया, बट जो भी थोड़ा थोड़े क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए हैं जो भी हमारे साथ लौंडे वगैरह थे। ये देखो भाई ये खेल रहा है कुछ ऐसे कप के साथ। और हमारे नवाज भाई आप जा रहे हो क्या अभी, क्यों आज बैठो ना इधर ही बैठोगे। तो लौंडे से पूछते हैं भाई, बाइक लेके सुबह से रेडी अभी तक जा नहीं रहा है। सुबह 6 बजे उठाया भाई निकल लेके, 6 बजे ये अबुबकर भाई हमारे क्या ही बताऊं आपको। जो नजारा ले रहे थे ना इस टाइम यहाँ पे बैठ के, ये अपना यहाँ पे टेरेस था और यहाँ से अब अपोजिट साइड जो ये देख रहे हो ना, ठीक है गंडोला है चनैनी सकाई व्यू गंडोला अपोजिट में, ये चेक करो यहाँ पे ऊपर वो टॉप है और ये अपोजिट साइड है ये सनासर। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सफ़र रहा इन 4-5 दिन अपने घर में, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं गाँव में और मज़ा भी बहुत ज़्यादा यहाँ इन जगहों पर। जो चनैनी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर टूरिस्ट एरिया ना, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर्स किए जा सकते हैं। जैसे आप ट्रैक पे चले जाओ तो विदाउट ट्रैक, अगर कार राइड करना है बाइक राइड करनी है कुछ भी, यहाँ पे आपको हर टाइप की फैसिलिटीज देखने को मिलती है। मतलब रास्ते अगर रोड यहाँ पे देखोगे 4x4 है भाई, 4x4 गाड़ी को 4x4 हिसाब से घुमा सकते हो, तो अपने को वो भी चाहिए क्योंकि हर जगह कहीं निकलना हो फटाफट कहीं भी निकल जा सकते हैं। हम खाना वगैरह लंच नाउ फ्रेश वगैरह हो गए, सुबह सवेरे अपनी पहली राइड होगी स्टार्ट यहाँ से उपड़ाल के लिए। लेट्स गो लौंडो चलते हैं फिर दिखाएंगे, फिलहाल खाएंगे हम खाना शाना ना, फिर उसके बाद आगे लौंडे हंस रहे हैं, आपको नहीं कर रहा था मैं इनको कर रहा था। ये लोग क्या है ये कम दिख रहा है भाई, लोग फाइनली अभी हम निकल चुके हैं सुरमा देव की ओर। तो ये अभी थोड़ा म्यूजिक हल्का हल्का लगा हुआ है गाड़ी में और ये बस चनैनी टू सुरमा देव वाला रूट है, बहुत ही प्यारा और
यहाँ के एडवेंचर्स लोकल भाई बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे रास्तों पे ना आने में अलग ही मजा आता है। बाट का पानी नागंग शर्मतू का तुम्हें घाट का पानी घाट का पानी पर आजकल सालों ने बड़ी खप कर दी है। हाँ ना पीछे होगा, आगे हो जाएगा पीछे नहीं होगा, वो बोलते हैं सब्सक्रिप्शन होगा। पर स्पॉटिफाई ना यूट्यूब को टक्कर देता है मेरे भाई। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं सुबह की ओर, ये रूट चेक करो, ये जा रहा है सिटी ऑफ टेंपल्स। हाँ ये पहले भी तो हमने इसके बारे में जिक्र किया, पूरा एक्सप्लेन हर एक पॉइंट किया। क्या पता कुछ ऑडियंस यहाँ तक इस ब्लॉग को देख नहीं पाई होगी, ब्लॉग को जरूर देख के देख सकते हैं। दिमाग से खेले और सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या, सबसे सही